सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो बच्चों हम बात कर लेते हैं कोरोजन के बारे में जो कि हमारा लास्ट है। तो देखिए हम लोग तो कोरोजन जान ही रहे हैं क्या होता है कोरोजन, चलिए हम समझते हैं। तो कोरोजन हमारा बेसिकली होता है डिग्रेडेशन ऑफ मेटल, मतलब आपने कोई मेटल लिया और वह समय के साथ क्या हो रहा है, डिग्रेडेट हो रहा है, यानी मतलब उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ख़राब रहे, डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, मतलब इसकी क्वालिटी तो भैया आपकी ख़राबी होगी, उसके साथ क्वांटिटी भी ख़राब होगी। तो कुल मिला जुला कर हमारा कोरोजन क्या होता है, मतलब डिग्रेडेशन ऑफ मेटल होता है। और यह क्या होता है, मतलब कि हमने कोई सब्सटेंस ले लिया उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी ख़राब हो जा रही है तो क्या कहेंगे, कोरोजन कहेंगे। जैसे हमने देखा आयरन की घर में अगर आप लोगों की रेलिंग लगी है तो क्या लगता है, जंग लगता है बेसिकली। तो जो हमारा रस्ट लगता है उसी को क्या, वह भी एक हमारा कोरोजन का ही प्रोसेस है। उसी प्रकार हमारे जिंक है, जिंक पे आप लोग देखेंगे ब्लैक लेयर लग जाती है। तो यह कहाँ पर आप लोग देखेंगे, जो आपकी स्टील के बर्तन होते हैं या पहले के ज़माने जब बर्तन रहते थे तो उन पर देखा जाता था कि उसमें ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती थी। तो इससे पता चलता है भैया वो हमारा सब्सटेंस धीरे धीरे ख़राब हो रहा है। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल हम लोग जंग का देख ही रहे हैं कि हमने कोई हमारा आयरन रहता या लोहे का चीज़ रहता है उस पर तो जंग लगी जाती है। कैसे जंग लगती है, मॉइस्चर के प्रेजेंट में आता है तो वहाँ से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, हाँ मेटल ऑक्साइड बना लेता है। और भैया एक बार मेटल ऑक्साइड बन गई तो उसका सारा डिग्रेडेशन होना चला जाता है। ठीक है, तो कुल मिला जुला कोरोजन क्या है, कोरोजन हमारा डिग्रेडेशन ऑफ मेटल है जिसमें उस सब्सटेंस की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ख़राब हो जाती है। तो बेसिकली हम लोग करते हैं क्या है कि जो हमारा कोई सब्सटेंस है मेटल है वो मॉइस्चर के प्रेजेंस या नमी के प्रेजेंट में आया तो मेटल ऑक्साइड बना के काम उसका ख़त्म हो जाता है, मतलब ख़राब होने लगता है। चलिए हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में। तो अब भैया हमने कोई भी चीज़ लिया तो उसे बचाएंगे ना कि कम से कम जल्दी से नुकसान ना हो। और इसी वजह से देखिए कभी कभी पुराने पुल जो लोहे के पहले ज़माने में बने रहते सब टूट भी जाते हैं, यही सब वजह है। तो देखिए पहला तो हम करते हैं प्रोसेस जिसका नाम है गल्वनाइजेशन। क्या होता है, गल्वनाइज कर दें या गल्वनाइजेशन होता है। तो गल्वनाइजेशन बेसिकली होता है क्या कि हमने दो सब्सटेंस ले लिया, ठीक है, जो हमारा लिस्ट रिएक्टिव है उस पर हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमें इसको बहुत मजबूत करना है, ठीक है, लेकिन तो हम करेंगे क्या, मान लीजिए जिंक है तो जिंक को इसके ऊपर हमने लेयर कर देंगे। तो जिंक सब्सटेंस ले लिया और इसको हमने इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इस पर लेयर कर दिया तो होगा क्या, जब भी हमारा फर्दर एयर का अटैक होगा इस पर होगा और हमारा अंदर का मेटल तो भैया बच ही जाएगा। तो कुल मिला जुला कर गल्वनाइजेशन में क्या करते हैं कि हम एक तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब कि उसके ऊपर दूसरा सब्सटेंस चिपकाना, जैसा कि मैं समझ ही लिया, समझ गए, ठीक है। या तो भैया आप क्या करिए, दूसरा आप इसका एलॉय बना दीजिए। अब एलॉय क्या होता है, एलॉय मतलब समझते हैं, हमने देखिए कोई एक मेटल ले लिया, ठीक है, उसमें हम क्या करें, उसको हम मेल्ट कर दे रहे हैं। मान लीजिए कोई कंटेनर में ले लिया आयरन, ठीक है, आयरन को पूरा मेल्ट कर दिया और उसमें हमने थोड़ा सा 0.5% क्या डाल दिया, कार्बन, ठीक है, तो कार्बन हम डाल देंगे तो इसमें होगा कि जो कार्बन पूरी जगह फैल जाएगा। तो जब भी हमारा यह क्या हो जाएगा, यह हमारा बन जाएगा एलॉय। एलॉय हम कैसे बनाते हैं, समझे, एलॉय हम देखिए बनाते हैं बेसिकली ऐसे कि हम करेंगे क्या कि कोई एक कंटेनर ले लेंगे और मान लीजिए आयरन है, ठीक है, आयरन को हमने डाल दिया तो हमारा मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो गया, इसमें हमने कार्बन को डाल दिया, फिर कुछ देरी बाद इसको हम क्या कर देंगे, कोल्ड कर देंगे। तो जो हमारा सब्सटेंस बनेगा तो बहुत हार्ड भी होगा और यह क्या होगा, इसमें कोरोजन भी नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि भैया अब तो आयरन रहा नहीं तो ऑक्सीजन के परिजन में ऑक्साइड बनाएगा नहीं। तो कुल मिला जुला कर यही आपका प्रोसेस होता है एलॉय बनाने का। तो हमने समझ लिया एलॉय हम कैसे बनाएंगे, तो कुछ हमारे पॉपुलर एलॉय हैं तो ये भी हम कह सकते हैं। देखिए एक बात हमें और ध्यान रखने की, एलॉय जो हमारा होता है ना होमोजीनियस मिक्सर होता है, मतलब ये नहीं है कि भैया ऐसा आप एलॉय बनाएं कि कार्बन इधर भाग रहा है और आयरन इधर भाग रहा है, सब एकदम प्रॉपर रेशियो में मिले रहेंगे। ये नहीं होगा कि हमारा भैया देख रहे हैं कि कार्बन इधर भाग रहा है, हमारा आयरन इधर भाग रहा है, कुछ ना तो प्रोपोर्शन है ना तो कुछ बात है।
उसी प्रकार हमें एक बहुत याद रखने की, जो आप लोग देखते हैं स्टील, अब बताइए स्टील आप लोग कहाँ यूज़ करते हैं। हाँ, जो आप लोग घर में रेलिंग बनी होती है वो क्या होता है, वो भी तो स्टील ही होती है, ठीक है। तो हमारा जो स्टील होता है इसमें दो चीज़ डाला जाता है, पहला तो आपका डाला जाता है निकेल, जब निकेल और क्या नाम से क्रोमियम डाल देंगे तो हमारा बन जाएगा स्टील। किस में डालेंगे, आयरन में डालेंगे, तो यही हमें ध्यान रखना कैसे डालेंगे। हाँ, इसके थ्रू डाल देंगे भैया, एक बना लिया कंटेनर, उसे में पहले हमने क्या किया, आयरन को मेल्ट कर दिया, निकल और क्रोमियम होमोजीनियस मिक्सर बना के डाल देंगे तो आप लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो यही था आप लोगों का बेसिकली क्या नाम से, हाँ, एलॉय फार्मेशन। और तीसरा बात कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो समझी नहीं, वही गैल्वेनाइजेशन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग बात एक ही है, ठीक है। इसी तरीके का आप लोग कुछ एनसीईआरटी में एग्जांपल भी दिया है, तो आप लोग एनसीईआरटी भी एक बार पढ़ लीजिएगा, तो उसके थ्रू आप लोग जितने भी कंसेप्ट हैं वह भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जितने बच्चे यहाँ तक आ चुके हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे कोई डाउट हो, कोई संशय हो, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें, मैं उसको रिप्लाई कर दूँगा। आज के लिए धन्यवाद।